उत्तराखंड के वनंतरा रिजॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। 24 सितंबर की सुबह चीला नहर से पुलिस को उसकी लाश मिली। अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप लगा वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता पर। अब कौन है ये पुलकित आर्य और कौन है ये अंकिता भंडारी जिसकी हत्या कर दी गई, क्यों कर दी गई, जानेंगे आज ये पूरा मामला क्राइम कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आपका क्राइम कहानी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पुलकित आर्य मेरा बेटा था, लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था। वो सीधा साधा बालक है, अपनी काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। पुलकित आर्य बीजेपी और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके विनोद आर्य का बेटा है। वहीं पुलकित के बड़े भाई अंकित आर्य भी राज्य मंत्री और ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने पुलकित की गिरफ्तारी के बाद ही विनोद आर्य और अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया। साल 2016 से पहले पुलिस ने पुलकित को उत्तराखंड सरकार की गाड़ी में शराब पीते हुए पकड़ा था। उस पर गाजियाबाद में हंगामा करने का भी आरोप लगा था। साल 2016 में पुलकित आर्य पर एक और आरोप लगा था। आरोप ये था कि उसने उत्तराखंड आयुर्वेद प्री मेडिकल टेस्ट यानी UAPMT की परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाकर परीक्षा पास की थी। इसी मामले में पुलकित के खिलाफ हरिद्वार कोतवाली में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलकित आर्य लॉकडाउन के समय में भी विवादों में घिरा रहा था। उस पर उत्तर प्रदेश के विवादित नेता अमर मणि त्रिपाठी के साथ उत्तर काशी के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का आरोप लगा था। अमर मणि त्रिपाठी कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी हैं। पुलकित आर्य उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक में वनंतरा नाम का एक रिजॉर्ट चलाता था। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली थी, इसीलिए पुलकित ने OLX पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए ऐड डलवाया था। इसी OLX के ऐड पर नजर पड़ी जम्मू के रहने वाले एक लड़के पुष्पदीप की। उस समय पुष्पदीप उत्तराखंड की रहने वाली अपनी दोस्त अंकिता भंडारी के लिए जॉब ढूंढ रहा था। पुष्पदीप और अंकिता भंडारी की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। पुष्प ने वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से फोन पर इस जॉब के बारे में बात की। फिर उसने पुलकित का मोबाइल नंबर अपनी दोस्त अंकिता को दे दिया। फोन पर अंकिता की भी बात पुलकित आर्य से हो गई। अंकिता को वो जॉब आसानी से मिल गई। अब बस उसे वनंतरा रिजॉर्ट जाकर ज्वाइनिंग भर करनी थी। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव श्रीकोट की रहने वाली थी। अंकिता के गांव श्रीकोट तक जाने वाले रास्ते बहुत दुर्गम और खड़ी चढ़ाई वाले हैं। वहां का जीवन बहुत कठिन है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे, पर किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई। अंकिता की माँ सोनी देवी आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं। अंकिता का एक भाई भी है जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। अंकिता ने 12th की पढ़ाई खत्म करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से ही अंकिता जॉब ढूंढ रही थी। 28 अगस्त 2022 को अंकिता अपने पिता के साथ गांव से करीब 130 किलोमीटर दूर वनंतरा रिजॉर्ट चली गई। उस समय अंकिता के पिता को वनंतरा रिजॉर्ट बेटी की जॉब के लिए सुरक्षित जगह लगी। बातचीत से भी वहां के स्टाफ वाले उन्हें ठीक लगे, इसीलिए वहां के माहौल से संतुष्ट होकर पिता वीरेंद्र भंडारी अंकिता को रिजॉर्ट छोड़कर वापस अपने गांव श्रीकोट चले गए। कुछ मामूली औपचारिकताओं को पूरा कर लेने के बाद अंकिता ने 10,000 रुपए की सैलरी पर रिसेप्शनिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। रिसेप्शन का ठीक बगल वाला कमरा अंकिता को रहने के लिए दे दिया गया। ज्वाइनिंग के शुरुआती दिनों में अंकिता को रिजॉर्ट का माहौल काफी अच्छा लगा, पर कुछ ही दिनों बाद अंकिता को ये महसूस होने लगा कि उसने ये जॉब करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। वनंतरा रिजॉर्ट आने के कुछ ही दिनों बाद रिजॉर्ट में रुके किसी गेस्ट ने शराब के नशे में अंकिता को जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश की। शुरुआत में अंकिता के लिए पुलकित आर्य का व्यवहार बहुत अच्छा था। उसने ही अंकिता को उस शराबी गेस्ट से बचाया था।
हालांकि पुलकित के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने इस मामले पर अंकिता भंडारी को चुप रहने को कहा था। अंकिता ने ये बातें चैट के जरिए अपने जम्मू के दोस्त पुष्पदीप को बताई थी। एक दिन वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता से कहा कि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं और सारे कमरे पहले से भरे पड़े हैं। उसने कहा कि जब तक गेस्ट रहेंगे तुम मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में रह जाना, जब वो चले जाएंगे तो तुम वापस अपने कमरे में चली जाना। अंकिता अपने बॉस की बात मान गई। वो जिस कमरे में रुकी वो कमरा अंदर से पुलकित के कमरे से कनेक्टेड था, यानी पुलकित आर्य अंकिता के कमरे में बेरोक टोक आ जा सकता था। जब अंकिता कमरे में शिफ्ट हो गई तब उस रात पुलकित उसके कमरे में घुस गया। उसने अंकिता के कमरे में शराब पी और अंकिता को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। पुलकित की इस घिनौनी हरकत से अंकिता घबरा गई। उसने पुलकित का विरोध किया और उसे खरी खोटी सुना दी। अंकिता का गुस्सा और विरोध देखकर पुलकित ने तुरंत अपना रंग बदल लिया और अंकिता से माफी मांगने लगा। इतना ही नहीं, पुलकित ने अंकिता को ड्राइविंग सिखाने के बहाने उसके करीब जाने की बहुत बार कोशिश की, पर अंकिता ने हर बार उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। धीरे धीरे वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता का जीना दूभर होने लगा। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता का दोस्त पुष्पदीप वनंतरा रिजॉर्ट में 14 और 15 सितंबर को रुका भी था, फिर 16 सितंबर को वो वापस जम्मू लौट गया था। 17 सितंबर की रात को अंकिता की व्हाट्सएप चैट के जरिए पुष्प से बात हुई। उसने पुष्प को बताया कि वो वनंतरा रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। उसने चैट में बताया कि असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता उसके पास आया और बोला कि उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद अंकिता उसके साथ किनारे चली गई। अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी से कहा कि मंडे को यानी 19 सितंबर को एक वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है और इस एक्स्ट्रा सर्विस के लिए गेस्ट 10,000 रुपये देने को तैयार हैं। तब अंकिता भंडारी ने कहा कि इसमें मैं क्या करूं। फिर अंकित गुप्ता ने कहा कि तुम बोल रही थी ना स्पा वगैरह करोगी या सोच रही थी। अंकित गुप्ता की इस बात पर अंकिता गुस्से से लाल हो गई। वो अंकित गुप्ता पर भड़क गई। अंकिता भंडारी का ये रूप देखकर अंकित गुप्ता ने कहा कि ये गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता ने कहा कि मैंने तो बस ये बोला था कि रिजॉर्ट में स्पा भी खोलते हैं, अब इसमें मेरी बात कहां से आ गई, इसमें मेरे स्पा देने और ये एक्स्ट्रा सर्विस देने वाली बात कहां से आ गई। उसने अंकित गुप्ता से कहा कि मैं गरीब जरूर हूं पर तुम्हारे रिजॉर्ट के लिए मैं खुद को 10,000 रुपये में नहीं बेचूंगी। अंकिता भंडारी का ये जवाब सुनकर अंकित ने बात बदलते हुए कहा कि वो उससे ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो उससे किसी और लड़की के लिए पूछ रहा था जो इस काम के लिए तैयार हो। अंकिता भंडारी ने अपने दोस्त पुष्प को बताया कि वो जानती थी कि अंकित का ये ऑफर केवल उसी के लिए था और अंकित ने जानबूझकर उसे ये सुनाया था, केवल ये सोचकर कि मैं 10,000 रुपये का अमाउंट सुनकर एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए जरूर तैयार हो जाऊंगी। अंकिता ने आगे कहा कि अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसा करने के लिए बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। उसने वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में बोलते हुए कहा कि कितना गंदा होटल है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस देने से उन लोगों का क्या मतलब रहा होगा। एक 19 साल की बच्ची जो अपने ऊपर परिवार की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रही हो, उससे किस तरह का काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, ये बहुत शर्मनाक बात थी। 18 तारीख को शाम के 4 बजे के आसपास किसी बात पर अंकिता की पुलकित से लड़ाई हो गई। रिजॉर्ट के कर्मचारियों ने भी उस दिन अंकिता को रोती हुए देखा और फोन पे मदद की गुहार लगाते हुए सुना। हेलो मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। वनंतरा रिजॉर्ट के एक कर्मचारी का कहना था कि जब अंकिता मैम रो रही थी तब अंकित उनके सामने हाथ उठाकर डांस कर रहा था।
18 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे पुष्पदीप ने अंकिता को कॉल किया। अंकिता फोन पर रोने लगी। उसने पुष्प से कहा कि असिस्टेंट मैनेजर अंकित ने उसका मुंह दबाया और उसके हाथ को मरोड़ दिया। अंकिता ने कहा कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकी तारे ने अभी पुलिस को फोन किया था और मेरे बारे में पुलिस से कहा कि यहाँ एक अश्लील लड़की है, इसे यहाँ से पकड़ कर ले जाओ। अंकिता की ये बात सुनकर पुष्प घबरा गया। उसने अंकिता से पूछा कि आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तब पुलकित, अंकित और सौरभ के अपने आसपास होने की वजह से अंकिता ने पुष्पदीप से पूरी बात बाद में बताएगी कहकर फोन काट दिया। करीब 2.5 घंटे बाद रात 8:30 बजे अंकिता ने पुष्पदीप को कॉल किया। पुष्पदीप को अंकिता की तरफ से गाड़ियों की शोर सुनाई दी। पुष्पदीप ने अंकिता से पूछा कि कहाँ हो अभी। तब अंकिता ने जवाब दिया कि मुझसे पुलकित सर ने कहा कि कुछ जरूरी बात करनी है, चलो बाहर टहल कर आते हैं। पुष्पदीप ने अंकिता से एक बार फिर से पूछा कि अब बताओ क्या बात हुई थी। इस बार भी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के आसपास होने की वजह से अंकिता पुष्पदीप को कुछ बता नहीं पाई। रात 9:38 पर पुष्पदीप के मोबाइल पर वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित तारे का फोन आया। पुलकित ने बताया कि वो वनंतरा रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। इसके बाद पुलकित तारे पुष्पदीप से अंकिता की शिकायत करने लगा। उसका कहना था कि अंकिता अब काम पर ध्यान नहीं देती, हमेशा फोन पर लगी रहती है। उसने पुष्पदीप से कहा कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की चाहिए। पुष्पदीप पुलकित की बातों से समझ गया कि वो अंकिता को जॉब से निकालने की बात कर रहा है। इसके बाद पुष्प ने अंकिता को फोन किया पर अंकिता का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर पुष्प ने पुलकित तारे को कॉल किया। पुष्प ने उसे कई बार कॉल किया पर पुलकित ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। पुष्पदीप को अब ये लगने लगा था कि अंकिता जरूर किसी मुश्किल में है, वरना रिजॉर्ट पहुंचते ही उसने उसे फोन जरूर किया होता। इसके बाद 18 सितंबर की रात को ही पुष्पदीप की वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी से बात हुई। पुष्पदीप ने उस कर्मचारी से पूछा कि क्या अंकिता मैम रिजॉर्ट में पहुंच गई हैं। उस कर्मचारी ने बताया कि हमने सुना है कि वो पहुंच गई हैं, पर हमने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। अंकित सर उनके लिए खाना लेकर गए थे, अब तक तो वो खाना खाकर शायद सो भी गई होंगी। 19 सितंबर को सुबह करीब 8:30-9 बजे पुष्पदीप ने अंकिता के नंबर पर एक बार फिर से फोन किया। उसका फोन तब भी स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद पुष्पदीप ने वनंतरा रिजॉर्ट के शेफ को फोन करके अंकिता के बारे में पूछा। शेफ ने बताया कि शायद अंकिता मैडम बाहर कहीं टहलने गई हैं। पुष्पदीप ने एक बार फिर से पुलकित तारे को फोन किया पर उसका फोन अभी भी बंद था। 18 तारीख की रात से ही अंकिता का फोन बंद आना, उससे बात ना हो पाना, ये सारी बातें पुष्पदीप को परेशान करने लगी। उसने किसी तरह जुगाड़ से रिजॉर्ट के असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता का फोन नंबर निकाल लिया। उसने अंकित गुप्ता को कॉल किया। फोन पुलकित तारे ने उठाया। अब उसने पुष्पदीप से क्या बात की ये आप खुद ही सुन लीजिए। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे, हाँ जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे, उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन, और आपने दे दिया। भाई मेरे फोन में, मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था, मेरा फोन तो उसी के पास था रात को। हाँ तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी? अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए भाई। देखो अगर आपका फोन उनके पास है और मैं तीन बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे फोन पे क्या आपने? हाँ आपके फोन पे तो मेरा फोन भी घंटी बजी। हाँ जी, और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये रात की बात है, कोई 10:30 बजे की बात है।
10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहाँ रिसोर्ट में। अच्छा 10:30 बजे तक तो साढ़े हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने, खाना खाया था। हाँ खाना उसको सर्व किया था रात को। हाँ कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे। हाँ देखिए जब आप बाहर थे ना। हाँ तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिजॉर्ट में और मैंने रिजॉर्ट में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह सुबह निकला मैं रिजॉर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपको फोन मिला? नहीं मिला अभी तक ना। अभी नहीं मिला फोन मेरा, नहीं मिला ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। मैंने अरे भाई मैंने सुबह सुबह उसको सौरभ को भेजा था ना अपने फोन को सर्च करने के लिए। मैंने सौरभ को बोला, मैंने कहा भास्कर को बोला, मैंने कहा सौरभ ऐसा है वो अंकिता के रूम में मेरा फोन पड़ा हुआ है, उसे नॉक करके जो है ना मेरा फोन उठा करके चार्जिंग पे लगा दे, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ रिजॉर्ट में। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, उसने सौरभ को भेजा, उसने बोला भैया वो तो रूम में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और उसका सामान वगैरह क्या रहा? सामान सब रखा उसका। अच्छा सीसीटीवी तो होंगे ना प्रॉपर्टी के? हाँ चेक तो करता हूँ मैं सीसीटीवी क्या है, क्या चल रहे हैं, क्या है, क्या स्थिति है। नहीं चलते तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं चलते होंगे, सीसीटीवी तो चलते है होंगे। देखो पुष्प। हाँ जी हाँ जी बोलिए। मेरे साथ ना मैं आपसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, समझ रहे हैं आप? नहीं मुझे पता आप पे ज्यादा जिम्मेदारी। और मुझे ना मतलब क्या बोलते हैं ये सब सिनेरियो ना मुझे कचोट रहा है, मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि क्या आपके साथ तो नहीं है वो। मुझे सच सच बात ये बताइए सर, ऐसा होता तो मुझे आपको कॉल करने क्या जरूरत थी बताइए? कहीं उसके घर वालों के सामने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई आपकी और उसकी बात हो कि नहीं चलो मैं चलती हूं? नहीं 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 सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने घर पे हूँ, मेरी लोकेशन देखिए आप। और इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकता, यहाँ से 13-14 घंटे की जर्नी है। बात तो ठीक है लेकिन अब देखो अब वही बात हो रही है ना, कल वैसे बात क्या हुई थी आपकी उससे? उसका कल मूड भी बहुत खराब हो रहा था। हाँ उन्होंने मतलब बताया नहीं ना मेरे को, यही तो है, उन्होंने बोला कुछ मैटर हुआ है ये वो। क्या मैटर हुआ है? वो नहीं बताया ना, वही तो पूछना था रात को। अच्छा हाँ तो ऐसा था कि थोड़ी परेशान थी। हाँ लग रहा था कि थोड़ी परेशान। भाई देखो सुनो मेरी बात, परेशान थी वो ठीक है, शाम को 3-4 बजे से परेशान थी वो। हमें लगा कि यार चलो ठीक है, उसने अक्सर हमें ये बात बोली कि मेरे को ना बाहर घूमना मेरे को अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, मैं और अंकित जा ही रहे थे, सौरभ को बोला, मैंने कहा सौरभ इसको भी ले लेते हैं, ऋषिकेश तक चलेंगे, पूरे ऋषिकेश की एक एक मार्केट का सीसीटीवी है सब, सारे के सारे हम कितने बजे कहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए। इवन क्या हुआ कि जब आपसे बात कर रही थी ना वो, उस टाइम पे एम्स के सामने बैठ के उसने बात की आपसे। हाँ, और हम एम्स के सामने वाले गेट पे बैठ के उसने बात की आपसे, और हम वहीं पर खड़े होकर के बात करते रहे, हम वहीं पर खड़े होकर वेट करते रहे उसका कि कब तुम्हारी बात खत्म हो और कब हम चले यहाँ से। ओके तो आप बाहर कब गए थे? कहाँ बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। हाँ रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था, हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30-7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा अच्छा तो 9 बजे वापस आ गए थे? हाँ 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा अच्छा मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा। मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापिस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं आई थी, जरूर आई थी। आई थी आई थी बिल्कुल आई थी। खाना खाना खाया था उन्होंने? हाँ मैंने खाना भी दिया था उन्हें। तो उन्होंने खाया था? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा अच्छा तो मतलब फिर ये सुबह ही निकले, अगर निकले हैं तो पता नहीं भैया मेरे को कुछ भी, मेरा खुद दिमाग खराब हो रखा है, हम लोग सुबह से यही सोच रहे हैं। देखो दिमाग वाली कोई बात नहीं है, देखो अगर कोई भी बंदा स्टाफ का इन्वॉल्व हुआ ना बीच में तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ, हमें पता लग जाए क्या बात है। नहीं वो तो अच्छी बात है, आपको पता लग जाए, आप बता दो, आपके साथ है तो आप बता दो बल्कि। अरे मेरे साथ होता मैंने फोन क्यों करना यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम भी यही बोल रहे हो, तुम्हारे साहब भी यही बोल रहे हैं। अब बस भैया वही बात है ना, अब हम भी क्या करें बताओ, हम तो ठीक है ना खुद परेशान हो गए। देखो भाई पता क्या है, लास्ट टाइम बंदा तुम्हारे साथ था तुमसे ही पूछना ना, मैंने किसी और से थोड़ी ना पूछना, बताओ। जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी वो पुष्प की पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता से हुई बातचीत का कुछ हिस्सा था जिसे पुष्प ने रिकॉर्ड कर लिया था।
पुष्प ने रिजॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर से भी बात की थी। तीनों ने पुष्प को एक ही कहानी सुनाई जिसमें कई सारी कमियां थीं। तीनों के हिसाब से वो अंकिता भंडारी को लेकर शाम 6:30 के आसपास रिजॉर्ट से ऋषिकेश के लिए निकले, फिर रात 9 तक अंकिता के साथ रिजॉर्ट वापस आ गए। लगभग 9 के आसपास ही अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी के रूम में उसका खाना पहुंचा दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर रिजॉर्ट वापस लौटने के बाद अंकिता ने पुलकित का फोन क्यों ले लिया। रिजॉर्ट में बिजली होने के बाद भी अंकिता ने अपना फोन चार्ज क्यों नहीं किया, उसे ऑन क्यों नहीं किया। अगर पुलकित का फोन अंकिता के पास ही था तो जब पुष्प पुलकित को कॉल कर रहा था तो अंकिता ने उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। खैर, पुलकित के हिसाब से सभी रात 10:30 के आसपास सोने चले गए। सुबह 19 सितंबर को पुलकित ने अपना फोन लेने के लिए अंकित गुप्ता को अंकिता भंडारी के कमरे में भेजा। तब पहली बार पता चला कि अंकिता भंडारी गायब है। पुष्प के लगातार सवालों से पुलकित और अंकित इतना खींच गए कि उन्होंने अंकिता के गायब होने के पीछे पुष्प को ही दोषी ठहरा दिया। 19 सितंबर को ही पुलकित ने पटवारी के पास जाकर बड़ी होशियारी से अंकिता भंडारी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। अब पटवारी को रिपोर्ट क्यों लिखवाई, ये तो पुलिस का काम है। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार आदि वहां के इलाकों को राजस्व कार्यों के साथ साथ देखते हैं। ऐसी व्यवस्था उत्तराखंड में कम अपराध होने की वजह से था, पर अब हालात कुछ और हैं। पुष्प को अंकिता भंडारी के घर का फोन नंबर नहीं पता था, तो उसने बड़ी खोजबीन के बाद इंस्टाग्राम पर अंकिता के कजिन को ढूंढकर उससे अंकिता के घर का नंबर मांग लिया और 12 के बाद उसने अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी को उनकी बेटी के वनंतरा रिजॉर्ट से लापता होने की खबर दे दी। उधर पुलकित आर्य ने भी वीरेंद्र भंडारी को फोन करके अंकिता के लापता होने के बारे में बता दिया। वीरेंद्र भंडारी 19 सितंबर की शाम को वनंतरा रिजॉर्ट के लिए निकल गए और रात तक ऋषिकेश पहुंच गए। 20 सितंबर को वो चीला चौकी फिर लक्ष्मण झूला पुलिस थाने पहुंचे। वहां से उन्हें पटवारी वैभव का मोबाइल नंबर मिला। उन्होंने पटवारी को फोन करके बताया कि साहब, मुझे अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवानी है। तब पटवारी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि आज मैं छुट्टी पर हूं। बाद में पता चला कि पटवारी वैभव और पुलकित आर्य के बीच गहरी दोस्ती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर 20 सितंबर को छुट्टी ले ली थी। पटवारी वैभव की जगह जिस दूसरे पटवारी ने चार्ज लिया था, उसने भी वीरेंद्र भंडारी की बेटी अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पिता वीरेंद्र भंडारी घंटों से पटवारी और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। वहीं पुलकित आर्य और उसके पिता को उसी पुलिस स्टेशन में इज्जत से बैठाकर चाय पिलाई जा रही थी। अंत में थक हार के अंकिता के पिता अपनी फरियाद लेकर डीएम के पास पहुंचे। आखिर में डीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला पुलिस को सौंप दिया गया। 21 सितंबर को इस मामले में पहली बार पुलिस ने FIR लिखा। उधर 21 सितंबर को अंकिता का दोस्त पुष्पदीप जम्मू से वनंतरा रिजॉर्ट पहुंच गया। उसने अंकिता के परिवार को अंकिता से हुई अपनी व्हाट्सएप चैट्स और पुलकित आर्य और वनंतरा रिजॉर्ट के स्टाफ से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सौंप दी, जो कि पब्लिक हो गई। उसने पुलिस को भी अपना बयान दिया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो आरोपी दोस्त अंकित और सौरभ अंकिता के लापता होने के दिन से ही फरार चल रहे थे। लक्ष्मण झूला पुलिस ने शुक्रवार 23 सितंबर को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि घटना वाली रात आपसी विवाद के बाद अंकिता भंडारी को चीला नहर में धक्का दे दिया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। 24 सितंबर को उत्तराखंड SDRF ने चीला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने अंकिता भंडारी की गुमशुदगी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध हत्या और सबूत छुपाने की धाराएं बढ़ा दी। पुलिस ने चीला नहर के आसपास के कैमरों की CCTV फुटेज निकलवा ली। CCTV फुटेज में पुलिस को
अंकिता भंडारी, पुलकित, अंकित और सौरभ के साथ दिखी। चारों एक बाइक और एक स्कूटी पर थे। वहीं सीसीटीवी फुटेज में रिजॉर्ट लौटते वक्त अंकिता भंडारी उन तीनों के साथ नहीं दिखी। यानी इसी बीच अंकिता को नहर में धक्का दे दिया गया था। इसके बाद उन तीनों ने पुलिस को उलझाने के लिए एक झूठी कहानी तैयार कर ली और इसी कहानी को पुष्प को भी सुना दी। अंकिता की लाश मिलने के बाद उसे ऋषिकेश एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए और पानी में डूबने को उसकी मौत का कारण बताया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के साथ दुराचार का कोई सबूत नहीं मिला। कुछ चश्मदीदों ने एम्स में अंकिता की लाश को देखा था और उनका कहना था कि उसे बुरी तरह से नोचा गया था। उसके हाथ और पैर की उंगलियां टूटी हुई थीं। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे जलाया गया था और उसके शरीर पर कई जगह दांत के निशान भी थे। कईयों का ये भी मानना है कि अंकिता को बाद में मार के चीला नहर में फेंक दिया गया, क्योंकि अंकिता की लाश जब चीला नहर से निकाली गई तो उसकी लाश फूली नहीं थी, जबकि उसकी लाश 18 सितंबर से ही पानी में थी। 23 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने गुस्से में तोड़फोड़ की। फिर 23 सितंबर की देर रात को 1:30 बजे एक बुलडोजर वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचकर रिजॉर्ट के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया। रिजॉर्ट के इसी हिस्से में अंकिता भंडारी का भी रूम आता था। बुलडोजर चलने वाले इस आदेश पर लोगों ने कई सवाल खड़े किए और उनका सवाल करना सही भी था। अब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने की इतनी भी क्या जल्दी थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सबूतों को मिटाने के लिए जल्दी जल्दी में बुलडोजर चलवा दिया गया? यहां तक कि जिस रूम में अंकिता भंडारी रहती थी उसे भी तोड़फोड़ दिया गया, या शायद सबूतों को नष्ट कर दिया गया। वनंतरा रिजॉर्ट के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वो एक साल से अधिक समय से काम ही नहीं कर रहे थे। तो इससे रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी और पुलकित आर्य के बीच हुए विवाद के बारे में भी कोई सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाई। हालांकि जांच टीम का कहना था कि फॉरेंसिक टीम ने बुलडोजर चलने से पहले ही वनंतरा रिजॉर्ट से सभी सबूत जुटा लिए थे। अंकिता भंडारी मामले में वनंतरा रिजॉर्ट में काम कर चुके कुछ पुराने कर्मचारियों का बयान भी सामने आया। इन्हीं कर्मचारियों में से एक महिला कर्मचारी ने मीडिया को बताया कि पुलकित आर्य उससे बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। वनंतरा रिजॉर्ट में लड़कियां बुलाई जाती थीं, वीआईपी गेस्ट आते थे जिनकी एंट्री नहीं कराई जाती थी, उनकी कोई आईडी नहीं ली जाती थी। वनंतरा रिजॉर्ट में चरस से लेकर गांजा, स्मैक, महंगी शराब सब कुछ उपलब्ध था। जब कोई कर्मचारी पुलकित से वेतन मांगता था तो वो उसके साथ मारपीट करता था, फिर चोरी का इल्जाम लगा के उसे निकाल देता था। यहां तक कि पुलकित की वहां के पटवारी के साथ भी साठगांठ थी। वो भी रिजॉर्ट में आया जाया करता था और उसी की देखरेख में रिजॉर्ट में अवैध कामों को अंजाम दिया जाता था। वनंतरा रिजॉर्ट में कर्मचारियों को सजा देने के लिए एक काल कोठरी भी बनवाई गई थी, जहां कर्मचारियों को बंद कर दिया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ी एक खबर ये भी आई कि रिजॉर्ट में हिरणों और जंगली जानवरों को मारा जाता था और उन्हें पार्टियों में परोसा जाता था। वनंतरा रिजॉर्ट के आसपास के ग्रामीणों का कहना था कि अंकिता भंडारी से पहले भी वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली प्रियंका नाम की एक लड़की गायब हो चुकी है। 25 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलकित आर्य वनंतरा रिजॉर्ट में अवैध और देह व्यापार जैसे कामों को अंजाम देता था और वो अंकिता भंडारी को भी इसमें धकेलना चाहता था, पर अंकिता ने ये सब करने से साफ मना कर दिया। वनंतरा रिजॉर्ट में चल रहे इन गंदे कामों से परेशान होकर अंकिता 18 सितंबर 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट को छोड़कर जाने वाली थी। पुलकित को ये लगने लगा कि ये लड़की उसके लिए आगे चलकर खतरा बन सकती है, उसके रिजॉर्ट और उसके परिवार के राजनीतिक करियर पर दाग लगा सकती है। शायद इसी खतरे से बचने के लिए पुलकित आर्य ने अंकित और सौरभ के साथ मिलकर
एक सोची समझी साजिश के तहत अंकिता को मार डाला। सोची समझी साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलकित ने पुलिस को बयान दिया था कि नहर के पास अंकिता के साथ हुई बहस में अंकिता ने उसका मोबाइल छीन के नहर में फेंक दिया और इसी के बाद उसने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पर पुलकित के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, लोकेशन और पुष्प से हुई उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग ने यह साफ कर दिया कि पुलकित ने पुलिस को झूठा बयान दिया था। मोबाइल नहर में फेंका ही नहीं गया था, बल्कि वो तो आगे भी यूज होता रहा। बाद में पुलिस को चीला नहर से एक मोबाइल फोन भी मिला। एसआईटी टीम द्वारा आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया। अंकिता के परिवार की ये मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। हम भी ये चाहते हैं कि अंकिता के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और समाज में एक मिसाल पेश की जाए ताकि ऐसे गुनहगार ऐसी हैवानियत करने के बारे में कभी सोच भी ना पाए। तो एक नई कहानी के साथ जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी चैनल देख रहे थे। जय हिंद।